थोड़ा सा और डार्क है, तो कंपैरिजन के बाद किसी और वीडियो में करेंगे। कभी मैं एक और कंपैरिजन वीडियो बना दूंगा विद अफोर्डेबल पेंसिल वर्सेस एक्सपेंसिव पेंसिल, दोनों में फर्क क्या है, दोनों में आपको कौन सा परचेज करना चाहिए, दोनों का प्राइस क्या रहता है, वगैरह वगैरह। हाय गाइस, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम खेलने वाले एक छोटा सा कंपैरिजन बिटवीन एक्सपेंसिव पेंसिल वर्सेस चीप पेंसिल, चीप इन द सेंस ऑफ प्राइस। तो एक्सपेंसिव पेंसिल की जगह हम लोग लेने वाले स्टेडलर्स को एंड चीप पेंसिल की जगह हम लोग लेने वाले डोम्स को। अरे बट मैं तो तेरा ऑल टाइम फेवरेट हूँ। अरे बट ओए, लास्ट वीडियो देखा नहीं क्या? तो ठीक है ना, इस वीडियो में तो हम लोग कंपैरिजन ही करने वाले, तो एंड तक तो पता चल ही जाएगा कि कौन जीत रहा। तो एक काम करो, तुम दोनों वीडियो शुरू करो, मुझे कोई छोटा सा काम है, मैं काम निपटा के आता हूँ। एंड मेक श्योर कि वीडियो के एंड होते होते जो मेन रिजल्ट है वो मेरे कलाकारियों को पता चल जाना चाहिए। तो आप लोग वीडियो एंजॉय करो, मैं कुछ काम निपटा के आता हूँ। अब मैं क्या ही इसके साथ कंपैरिजन करूँ। हाँ तो वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है? तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन और ऑल्सो हिट द बेल आइकन। Now, without wasting any time, let's start the video. हाँ तो क्या बोल रहा था तू? तेरी क्वालिटी मेरे से बेटर है? बेटर का पता नहीं, बट हर जगह भी चर्चा हमारा है। अच्छा, अपनी एक अच्छी क्वालिटी बता। एक क्या, हम कई गिनवा दे। हाँ तो बता ना। देख, जब बात आती है क्वालिटी की तो बात आती है वुड और ग्रेफाइट की, जो दोनों मेरी ही अच्छी है। अब देखो भैया, वुड जो है वो है सेकेंडरी चीज, मेन चीज है ग्रेफाइट। अच्छा, मेरी ग्रेफाइट ज्यादा सॉफ्ट है, प्लस तुमसे डार्क भी। जो होगी तुम्हारी सॉफ्ट और मुझसे ज्यादा डार्क, बट मेरी जो ब्लेंडिंग क्वालिटी है ना वो तुमसे ज्यादा अच्छी है। हाँ तो ठीक है ना, मैं अगर कहीं जाऊँ तो मुझे सेट में जाने की जरूरत नहीं, मैं चाहूँ तो अकेला कहीं भी जा सकता हूँ। तुम जितने में अकेले आते हो ना, उतने में हम दो पूरे सेट आ जाते हैं। मेरी कॉस्ट सुनी है? प्रोफेशनल से लेके हर एक बिगनर मुझे यूज कर सकता है। कितने का आता है तू? 40 के पूरे 6। अच्छा, हाँ तो ठीक है ना, ब्रांड वैल्यू भी तो कोई चीज होती है। मैंने 187 सालों से कई कलाकारों को अपनी सर्विस दी है। हाँ तो इतनी जल्दी क्या है, अभी तो हमने शुरुआत किया है। क्या ये बच्चों की तरह फिल्मी लाइन मार रहा है? हाँ अब तो बोलोगे ही, मेरी बिल्ड क्वालिटी ज्यादा अच्छी है, हमारी पेंसिल ज्यादा डार्क है। अरे ब्रांड वैल्यू भी कोई चीज होती है। चल चल निकल, कोई मुझे खरीद। हाँ ठीक है ठीक है। क्या ये बच्चों की तरह लड़ रहे हो? सिंपल सा मैंने कंपैरिजन करने बोला था, और तुम लोग जितनी क्वालिटी क्वालिटी की बात कर रहे हो ना, सबसे ज्यादा क्वालिटी पता है क्या जरूरी होती है? द क्वालिटी ऑफ द स्किल्स जो आर्टिस्ट के पास खुद होता है, और उसको दुनिया कोई आर्ट मटेरियल नहीं दे सकता। अरे यार ये फिर शुरू हो गया, चल भाई बाहर चल। हाँ यार चल। तो आई होप आप लोगों को फाइनली समझ आ गया होगा कौन सा पेंसिल आपके लिए बेटर रहेगा। आप लोग भी कंफ्यूज होना वीडियो देख के, तो यही बात मैं बोलूंगा कि अगर आपके पास स्किल्स है तो आपका मटेरियल मैटर नहीं करता। आप किसी मटेरियल से एकदम बहुत सुंदर आप ड्राइंग बना सकते हो। मटेरियल्स कुछ जगह पे मैटर करते हैं, कुछ फैक्टर्स मैटर करते हैं। अगर मैं एक्सपेंसिव आर्ट मटेरियल से बात करूँ तो इसका जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो होते हैं बिगिनर्स को, जो लोगों ने ड्राइंग स्टार्ट किया है उनके पास अभी उतना बजट नहीं होता, सो वो उतना अमाउंट एक आर्ट मटेरियल एक पेंसिल के पीछे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो शायद कहीं ना कहीं उनके माइंड में चलते रहता है कि मैं इतना महंगा मटेरियल नहीं परचेस कर पा रहा हूँ, तो मेरा जो आर्ट वर्क है वो उतना खूबसूरत नहीं बन पाएगा जितना एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट का बनता है। बट ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं होता। आप बेसिक आर्ट मटेरियल से एक बहुत अच्छा ड्राइंग बना सकते हो। अभी जो आप लोग तीन जो ड्राइंग देख रहे हो, ये तीनों मैंने डिफरेंट ब्रांड्स का पेंसिल यूज करके बनाया है। एक मैंने स्टेडलर्स का यूज करके बनाया है। स्टेडलर्स मतलब मैं फ्रीक्वेंटली यूज करता हूँ, जब से मैंने स्केचिंग स्टार्ट किया से 4 से 5 साल हो गया मुझे स्केचिंग स्टार्ट किए हुए, तब से आई एम इन लव विद दीज पेंसिल्स। एक मैंने डोम्स का पेंसिल यूज कर बनाया जो मैंने हाल ही में यूज किया, एंड ट्रस्ट मी मतलब ये पेंसिल से इतना अच्छा वर्क हुआ, मतलब इतना अच्छा आउटकम था, इट वॉज जस्ट फिनोमिनल, जस्ट अमेजिंग। मतलब ये पेंसिल जो 40 रुपीज में पूरा पैक आता है वो इतना अच्छा रिजल्ट दे सकता था, आई कांट बिलीव इट। और एक जो मैंने ड्राइंग बनाया वो मैंने नटराज पेंसिल का यूज़ करके बनाया। मतलब नटराज इज अ पेंसिल जो स्केचिंग के लिए बना ही नहीं है, वो नॉर्मल लिखने के लिए पेंसिल बनाया। मार्केट में 3 से 4 रुपए में वो पेंसिल मिलता है, उसको मैंने यूज़ करके एक ड्राइंग बनाया। मतलब ये तीनों ड्राइंग अगर मैं किसी भी पर्सन के सामने में रखूँ और बोलूँ कि बताओ कौन सा मटेरियल मैंने सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव पेंसिल या सबसे लोएस्ट कॉस्ट वाली पेंसिल यूज़ करके बनाया, तो एक टाइम पर वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा। अगर आप भी कंफ्यूज हो रहे हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट करके बताओ कि मैंने कौन से ड्राइंग में कौन सा ब्रांड का पेंसिल्स यूज किया है।
तो बस आज के इस वीडियो की 100 बात की एक बात, आपको दोनों में से अगर कोई भी पेंसिल परचेस करना है आप परचेस कर सकते हो, दोनों बहुत अच्छे पेंसिल्स हैं। अगर बजट है तो स्टडलर परचेस कर लो, और अगर बजट कम है बिगनर हो देन गो फॉर डोम्स। मतलब एक ऐसा पॉइंट नहीं जिसके लिए आप डोम्स को हटा के स्टडलर को परचेस करते हो अगर आपके पास बजट नहीं है। मतलब दोनों पेंसिल्स बहुत अच्छे हैं, बट वही बात है अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आप डोम से भी अच्छा ड्राइंग नहीं बना सकते हो, ना ही स्टैंडर्ड से आप एक अच्छा ड्राइंग बना सकते हो, और अगर स्किल्स है तो दोनों से आप अपना जलवा दिखा के एकदम तूफान उड़ा सकते हो। तो बस और क्या, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो से अगर कुछ हेल्प मिला हो, पसंद आया हो वीडियो देखने में, तो वीडियो को लाइक कर सकते हो एक सेकंड। और हाँ, ये जो सारे आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, ये सारे भी वीडियोस चेक कर सकते हो। ये सारे वीडियोस हमने बहुत प्यार से आर्ट मटेरियल्स के ऊपर बनाया है, सो दे माइट हेल्प यू। और हाँ, अगर कोई भी आर्ट मटेरियल परचेस करना हो जो मैं यूज करता हूँ, या फिर डोम्स का पेंसिल परचेस करना हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये नहीं बोलना था, फिर शुरू हो गए।